हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पानी पूरी बनाने की रेसिपी। पानी तो नॉर्मली हम सब बड़े आराम से अपने घर पर बना लेते हैं, बट पूरियाँ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। कभी हमारी पूरियाँ या तो क्रिस्पी नहीं बनती हैं या कभी फूलती नहीं है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई एम श्योर आपकी पूरियाँ जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन बनेंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैंने ली है 1.5 कटोरी सूजी। ये करीबन 1.5 कटोरी के बराबर है मेरी सूजी। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी तेल, इसमें मैं अपनी पूरियाँ तलूँगी भी। और ये मैंने लिया है गुनगुना पानी। अब इन सबको मिला के एक डो हमें रेडी करना है। तो ये मैंने एक परात ले लिया, इसमें मैं अपनी सूजी डालूंगी और इसमें अब मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून तेल। इसमें तेल बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, सिर्फ इतना कि आपकी जो सूजी है वो बढ़िया तरीके से कोड हो जाए। सूजी में एक एक दाने में बढ़िया तेल लग जाना चाहिए, इससे हमारे जो पानी पूरी है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो ये बहुत मेन पार्ट है। अब इसमें मैं डालूंगी गुनगुना पानी। ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी मैंने नहीं लिया है, हल्का गुनगुना है, इतना कि मैं इससे आराम से अपना डो तैयार कर लूँ। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है और इसका एक बढ़िया सॉफ्ट सा हमें डो रेडी करना है। तो सारी चीज़ों को मिला के बढ़िया एक इसका सॉफ्ट डो हम रेडी करेंगे। ये देखिए मेरा डो जो है वो कैसे चिपचिपा रहा है, इसका मतलब ये बढ़िया बना है। इसमें मैं और पानी अब बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका डो जो है वो थोड़ा कड़क है तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक सा कर लीजिए। और ये देखिए बढ़िया नरम आटा जो है मेरा लगकर तैयार है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ूंगी, 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी इसको। ये गीले कपड़े से इसको ढाक कर मैं कम से कम 15 से 20 मिनट बाद इसकी जो पूरियां हैं वो बनाऊंगी। यहाँ मुझे करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देख लेती हूँ मेरा डो कैसा बना है। बिल्कुल देखिए बढ़िया बना है, ना सख्त हुआ है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। तो अब इसके मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, इसके राउंड करके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े हम रेडी करेंगे इस तरह के। आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आप बड़ी ले लीजिए, छोटे चाहिए तो छोटे ले लीजिए। मैं सारे अपने पेड़े पहले रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल लिया है, तेल मैंने उतना ही लिया है कि मेरी जो पूरियाँ वो आराम से डूब जाएं, भर के कढ़ाई नहीं ली है। अब मैं मेरी पूरी को बेल लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं बेलना है, हमें हल्के से बेलने मारने हैं क्योंकि डो हमारा ऑलरेडी सॉफ्ट है। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से इसको एक शेप देकर और हमें छोड़ देना है। ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली। अगर मोटी होगी तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेगी और पतली हो जाएगी तो फिर ये फूलेगी नहीं। इसलिए चारों तरफ बेलन अच्छे से घुमाकर हमें इसको बेलना है। इसकी साइड्स हमें पतली करनी है। ये देखिए मेरी कुछ पूरियाँ जो है वो बनके तैयार है। तो अब मैं इनको तल लेती हूँ। यहाँ बाकी के जो मेरे पेड़े हैं इनको मैं गीले कपड़े में ढक कर रखूँगी, खुला इनको नहीं छोड़ना है वरना इन पर पपड़ी आ जाएगी जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें मेरी पूरियां जो है वो एक एक करके डालूंगी। एक साथ आपको सारी पूरियां नहीं इसमें डालनी है, एक एक करके इस तरीके से इनको सेकना है ताकि हर एक पूरी को अच्छे से तेल मिल सके और वो बढ़िया फूल जाए।
अगर आप सारी इकट्ठी डाल देंगे तो वो फिर अच्छे से सिकेंगी नहीं और ना ही फूलेंगी। तो एक एक कर कर ही इनको सेकिए, एक पूरी में पहले फूल जाने दीजिए और उसके बाद दूसरी डालिए। ये देखिए मेरी पहली पूरी कितनी बढ़िया फूली है और ये दूसरी वाली भी बिल्कुल बढ़िया फूल रही है। क्योंकि यहाँ मैंने तेल जो है वो कढ़ाई भर कर नहीं लिया है, उतना ही लिया है कि मेरी पूरी आराम से इसमें तल जाए। बाकी भी एक एक करके इस तरह से ही आपको सेकना है, एक साथ इसमें पूरियाँ नहीं डालनी है। तो मैं इनको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूंगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल देकर इसको बढ़िया सेक लेंगे। बाकी की मैं पूरियाँ अपनी रेडी कर लेती हूँ। तो ये मेरी सिक चुकी हैं, जैसे मेरे को पसंद है वैसे ही कलर बिल्कुल आ गया है। आप चाहे तो आप थोड़ी कम सेक लीजिए, मुझे बिल्कुल ऐसे ही पसंद है। तो इन्हें फटाफट निकाल के मैं मेरी बाकी की पूरियाँ भी सेक लेती हूँ। ये देखिए मेरी सारी पूरियाँ रेडी हो गई हैं बनके, और कितनी क्रिस्पी ये बनी हैं आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और सारी बढ़िया एकदम फूली बनी हैं। आप भी इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी।